डेरा साध नूं माफी देण दे मामले च हुण तक दा सब तों वड्डा बयान सामने आया अते वड्डा खुलासा होया, ते इह खुलासा किसे होर ने नहीं बल्कि तख्त श्री पटना साहब दे साबका जथेदार ज्ञानी इकबाल सिंह ने किया। इस मामले च उन्होंने बादलों की पोल खोल के रख दी है अते बादल कसुत्ते घिर गए ने। ज्ञानी इकबाल सिंह का कहना है कि बादलों ने ही गुरमीत राम रहीम नूं माफी देना चाहते सन अते उन्होंने ही जबरदस्ती उसनूं माफ करवाया। दस दिए कि वड्डा खुलासा उन्होंने वालों 8 मार्च 2019 नूं सिट नूं लिखती बयान दे विच होया। ज्ञान इकबाल सिंह ने सिट के मैंबर IG कुमार विजय प्रताप सिंह ने एक चिट्ठी लिखी सी अते सौदा साधन दिती गई माफीनामे का सारा घटनाक्रम इस चिट्ठी दे विच बयान किया सी। ज्ञान इकबाल सिंह का कहना है कि उन्होंने वालों डेरा सिरसा मुखी नूं माफ़ी देने का विरोध किया गया सी अते जबरदस्ती उन्होंने तो दस्खत भी करवाए गए ने। नाल ही ये भी कहना है कि जो माफ़ीनामा गुरमीत राम रहीम वालों लिखा गया सी उस दे विच माफ़ी शब्द किते भी नहीं सी। उन्हां दा कहना है कि उस समय दे मुख्यमंत्री यानी कि प्रकाश सिंह बादल, उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने खुद गुरमीत राम रहीम नूं माफ़ी दित्ती सी क्योंकि वह खुद उस नूं माफ़ करना चाहते सन। इन्ना ही नहीं उन्हों का कहना है कि प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल और दलजीत सिंह चीमा ने सब नूं माफ़ करन दे लई जोर पाया सी अते खास करके श्री अकाल तख्त साहब दे जथेदार तो माफ करन दा दबा इन्हां तिन्नां वल्लों ही पाया गया सी। अते इस बयान दे हुण सामने आण तो बाद बादलां दे होश जरूर उड गए ने क्योंकि घर दे भेती ही हुण लंका ढाउण दे विच लग गए ने जिस करके बादल आए दिन कसुत्ते घिर रहे ने।